यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। झांसी के थाना पुंछ के ग्राम चितगुआ में रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय एक सवारियों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 12 लोग घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली में लगभग 25 लोग सवार थे। यह हादसा सुबह करीब 3 बजे हुआ। हादसे का कारण गेटमैन की लापरवाही बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि गेटमैन फाटक खुला छोड़कर सो रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि हादसे में 5 महिलाओं और 2 बच्चों समेत कुल 12 लोग घायल हुए हैं, जबकि 1 युवक की जान चली गई। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौठ में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, जहां से उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। हादसे में घायल हुए सभी लोग जिला जालौन के थाना 8 के ग्राम टिकरिया के रहने वाले। रियल खुला था, वो गेटमैन सो रहा था, गाड़ी को पता नहीं था, ऐसे ही निकलने लगे तो ट्रैक्टर निकल गया, पीछे से ट्राली गिर गई थी। तो उसमें कितने लोग घायल हो गए? 20-25 लोग घायल हो गए, 1 लोग मृत्यु हो चुकी है उसमें।